क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और एकदम आप आज जो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो आपको पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, आपके कॉलेज में जो 21 से यानी आज से जो UPSC लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम को आप देने के लिए हम ऑल द बेस्ट बोलने आए हैं। बाबू, कॉलेज जो है बिहार बोर्ड, ये बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है कि आपको मंथली एग्ज़ाम देना है। हम लोग बहुत खुश हुए, हम दिल से उसको दुआ देते हैं और शिक्षा मंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने इतना अच्छा कदम उठाया है। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये आपने अच्छा तो किया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब बिहार शिक्षा की अगर बर्बादी का अगर श्रेय लिखा जाएगा और इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आपका नाम होगा। क्योंकि आप एग्जाम लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जाकर के कॉलेज की स्थिति देख लीजिए कि बच्चे को रोल नंबर नहीं पता है, बच्चे खुद से अपना नाम भर लेते हैं और नाम भरने के बाद, हालांकि नाम तो खुद से ही भरना है, लेकिन उसको रोल नंबर नहीं पता है, रोल कोड नहीं पता है, और ये सब तो बात छोड़ दीजिए सर, बच्चे को सब्जेक्ट भी नहीं पता है आज कौन सा सब्जेक्ट होना है और आप जाकर के एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम की टाइमिंग 6 बजे से है, आप इसलिए किए हैं हमको पता है क्योंकि मॉर्निंग में कोचिंग चलती है। यानी बाबू आप समझ जाइए, शिक्षा जो बिहार की है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, आपको इस कगार पे ला दिया है कि ना ही आप कोचिंग में पढ़ सकते हैं, ना ही स्कूल में और ना ही कॉलेज में। बहुत अच्छी बात है, परीक्षा लीजिए। और एक बात जान लीजिए, आप सभी बच्चे को हम कहते हैं कि अगर एग्जाम हो तो इसका टेस्ट कॉपी आप जरूर मांगिए कि जो हमने मंथली एग्जाम दिया उसका मेरा टेस्ट कॉपी कहाँ है। हम तो बता दें कि हम दलसिंहसराय में हैं और दलसिंहसराय की एक ऐसी भी कॉलेज है, ठीक है, जो बहुत फेमस कॉलेज है। आप जानते हैं उस कॉलेज में क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं मिलता है बच्चे को, बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया जाता है। कुछ बहुत सारे जगह पे सुनने को ये भी मिलता है कि कॉपी पेज फाड़ के लिख दो। और ये सारी बात छोड़ दीजिए, टीचर ये कहते हैं कि जल्दी लिखो, हमको भी घर जाना है। अच्छी बात है, लेकिन जान लीजिए बिहार के शिक्षा मंत्री, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो सुनहरे अक्षर में आपका नाम जरूर लिखा जाएगा, इसलिए चूंकि आपने बच्चों का जिंदगी बर्बाद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए आपका UPSC वाला एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।